तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर वेरी फाइन। तो हमने क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो आज इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सी देखो कि फंक्शन है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। जिसको नहीं पता, ये कल मैं कल वाली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था, तो थोड़ा सा देखो। कोई भी एक फंक्शन है और मैं बोल रही हूँ कि इस फंक्शन का ना इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और उसी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो किसी भी, ये कब आएगा फंक्शन चैप्टर समझ, जब रिलेशन ऑफ फंक्शन पढ़ोगे कि इनवर्स मतलब इनवर्टिबल क्या होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा समझो, थोड़ा थोड़ा बहुत है अभी के लिए। फंक्शन है, फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो फंक्शन जो है वो वन वन होगा और क्या होगा, ऑन टू होगा। वन वन होगा और ऑन टू होगा। याद करो, वन वन के बारे में थोड़ा सा बताया भी था कि वन वन फंक्शन होता क्या है। ये पूरा पढ़ना है आपको कि वन वन कब होता है, ऑन टू कब होता है, कि डोमेन और रेंज। अभी तुमने नहीं पढ़ा, बस अभी इतना समझो कि जब कोई भी ग्राफ है और जब आप उसको एक्स एक्सिस की एक लाइन पैरेलल खींचोगे, तो वो सिर्फ इस ग्राफ को सिर्फ एक ही बार कट करे, उसकी सिर्फ एक ही वैल्यू है, तब हम उसे बोलेंगे कि वो फंक्शन वन वन है। ठीक है, तो आपने तभी तो हमने कल क्या किया था, हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट करी थी। जब ये साइन एक्स का ग्राफ था इस तरीके से, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ बच्चे इस तरीके से था, लेकिन जब हम एक्स एक्सिस की लाइन पैरेलल खींच रहे हैं तो ये तो बहुत बार कट कर रहा है इसको, तो दैट मीन्स तो ये साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बट एग्जिस्ट कर रहा है। हम बोल रहे हैं साइन इनवर्स एक्स है, कैसे है ये। तो हमने क्या किया कि हमने इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी। डोमेन का मतलब क्या होता है कि जो हम वैल्यू डाल रहे हैं, हम वैल्यू कहाँ पे डालते थे। मैं बोलती थी कि साइन इनवर्स, अगर मैं लिख रही हूँ साइन इनवर्स 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, पाई बाय 2। तो अब मैं साइन इनवर्स 1 डालू, मैं चाहे ये रहा 1, यहाँ पे आएगा ना 1 और यहाँ पे आएगा -1। अगर मैं लिख रही हूँ साइन इनवर्स 0, मैं वैल्यू डाल रही हूँ 0, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0। तो अब वैल्यू क्या होगी, इतने से इतने के बीच में ही आएगी। मतलब हमने डोमेन को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कि मतलब जब भी आप वैल्यू डालोगे ना, तो कहाँ तक की डालोगे, -1 से 1 तक की ही डालोगे वैल्यू। और जब आप वैल्यू -1 यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू डालोगे इसके अंदर, तो ये क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। इसलिए हमने देखो ये सारी डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखी है। सी हेयर, वो टेबल फिर से दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है, मतलब तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी कि -1 से 1, तो -1 रखी तो वैल्यू क्या है, -π/2। 1 रखी तो π/2 कॉस इनवर्स, -1 रखी तो 0। अब कहीं पे आप लोगों को यहाँ पे जरा जब ध्यान से देखोगे, इनमें कहीं जगह तो ये इस तरीके का ब्रैकेट है और कहीं जगह इस तरीके का ब्रैकेट है, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। अभी हम साइन इनवर्स के लिए ये लगा रहे हैं, इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है कि -1 भी इंक्लूड होगा। देखो जब आप साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हो ये वाला, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये वाली वैल्यू से लेके यहाँ पे ये वाली वैल्यू तक का ग्राफ बने, सॉरी यहाँ वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू से लेके ये वाली वैल्यू तक का ग्राफ बनेगा, राइट। तो -1, ये जो चीज है ना -1, ये भी इंक्लूड होगा, ठीक है, सॉरी ये -1, ये तो π/2 है, ये वाली चीज भी इंक्लूड होगी माइनस। दैट मीन्स आप साइन इनवर्स एक्स की जगह -1 भी रखोगे, ठीक है। ये जो क्लोज ब्रैकेट होता है, ये जो क्लोज ब्रैकेट होता है, इसका मतलब होता है कि वो चीज भी डोमेन डलेगी, मतलब एक्स के अंदर उसकी वैल्यू भी डलेगी। चलो अब मैं चलती हूँ, बात करती हूँ किसकी, जैसे इस ओपन की ब्रैकेट की।
वर्ड्स माइंड, सेकंड वर्ड्स एक्स, इसका मतलब क्या है? पहले तो इसकी डोमेन देखो कि सारे रियल नंबर चलेंगे किसको छोड़ के, -1 से 1 के वो छोड़ के, मतलब अगर सेकंड वर्ड का ग्राफ आप लोगों को ध्यान हो, मतलब यहाँ पे सारे रियल नंबर डलेंगे, -1 से 1 के बीच की वैल्यूज नहीं डलेगी, और -1 और 1 भी नहीं डलेगा। अगर मैं -1 और 1 को ऐसे कर देती ना, तो इसका मतलब होता कि -1 और 1 भी नहीं डलेगा, समझे? लेकिन अभी -1 और 1 को हमने क्या किया, ओपन कर दिया, ठीक है? अगर हम थोड़ा सा इधर आओ, लीनियर इनक्वालिटीज में आपने पढ़ा होगा ना, इनका क्लोज का मतलब और ओपन का मतलब। देखो ये sec x का ग्राफ है, इसमें सारे रियल नंबर्स चलेंगे एक्सेप्ट व्हाट, -1 से 1 के बीच के नहीं डलेंगे। देखो -1 से 1 कहाँ पे है, ये रहा -1 और ये रहा 1, लेकिन -1 तो डल रहा है ना, सी -1 पे तो आपको दिख रहा है ग्राफ आ रहा है ना, 1 पे, -1 पे, तो इसका मतलब यही है। अगर ये होता ना रियल नंबर -1, 1, तो इसका मतलब -1, 1 भी नहीं डालते, लेकिन इसको ओपन लगाते हैं, ठीक है? क्लियर है? इसका मतलब होता है कि ये चीज, अब इसकी रेंज क्या आई थी, 0 से पाई तक की वैल्यू आएगी एक्सेप्ट π/2। इसमें भी क्लोज और ओपन का चीजें ध्यान रखना, क्लोज का मतलब होता है कि वो चीज इंक्लूड होगी, और क्लोज का मतलब क्या होता है, वो चीज इंक्लूड नहीं हो, ठीक है? आज एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, बाकी के जो डाउट है वो एक्सरसाइज के साथ धीरे धीरे सॉल्व होते चले जाएंगे। मैथ के टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। चलो तो आगे बढ़ते, एक्सरसाइज शुरू करते हैं आज हम अपनी। देखो ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और मैंने आपको ये बता दिया कि आपको ये वाली टेबल एकदम मतलब रट लेनी है, कि डोमेन इनकी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है और ये इनकी रेंज है, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू आई है। आपको मैंने कल की क्लास में ही बताया था क्या, कि आपको साइन इनवर्स एक्स को साइन एक्स के होल इनवर्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है? ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स है, साइन इन साइन इनवर्स एक्स है और साइन एक्स का होल इनवर्स है, ये दो अलग अलग चीजें, ये चीज नहीं है। साइन एक्स से होल इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/(sin x) होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आप सब अपनी एनसीईआरटी की बुक्स खोल लेना साथ का। साइन इनवर्स साइन एक्स, ये भी बात हमने कल बताई थी कि साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा तो आपको एक्स मिलेगा, और ये एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगी, -π/2 से लेके π/2 तक के बीच में ही होगी, मतलब जो यहाँ पे आप एक्स रखोगे ना, वो जो आपका एक्स होगा वो इतने से इतने के बीच में ही आना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है? क्वेश्चन से आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे आगे। देखो एग्जाम्पल समझो पहले, जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है कि ना प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, आपको क्वेश्चन ने दे दिया कि यहाँ पे आपको cos इनवर्स x दे रखा है और x की वैल्यू क्या है, √3/2 है। अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो याद करो cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, कहाँ से तक के बीच में लाया करता है, 0 से π तक के बीच में लाया करता है, तो जिसका आंसर होगा वो 0 से लेके π तक के बीच में ही निकलना चाहिए। तो cos इनवर्स x की जगह क्या रखूं मैं, √3/2, तो ये √3/2 कब आता है, ये √3/2 कब आता है, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, cos इनवर्स cos π/6, π/6 cos 30 पे ही आता है ना, काट दो इसे, cos इनवर्स और cos कट गया, क्या ये π/6 0 से π के बीच में आ रहा है, हाँ, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, π/6 हो गई। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया है, क्योंकि उसके बीच में ही लाई कर सकती है, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि √3/2 सिर्फ π/6 पे हो,
और पी भी तो हो सकती है रूट 3/2 वैल्यू, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये समझा दिया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 इनवर्स माइनस sin π/2। अब आपको इसको सॉल्व करना है, 10 इनवर्स माइनस sin -π/2। आपको पता है एक ऑड फंक्शन होते हैं, एक इवन फंक्शन होते हैं, साइन कॉस 10। इनमें से इवन फंक्शन कौन सा है? कॉस है। क्यों? अगर कॉस -x होता है तो ये क्या हो जाता है? कॉस एक्स हो जाता है। अगर साइन -x है तो क्या होगा? माइनस का साइन है। और अगर 10 -x है तो क्या होगा? माइनस का 10। ये चीज पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो रिमाइंड हो गया, नहीं पता थी तो पता चल गया, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि 10 इनवर्स साइन -π/2, मैं इसे इसे लिख सकती हूँ साइन -π/2। तो ऐसे मैं लिख सकते हैं -sin π/2, और -sin π/2 क्या होता है? sin π/2 is 1, तो -1। तो ये क्या आ गया? 10 इनवर्स -1, 10 इनवर्स -1। तो 10 इनवर्स -1 कब होता है? 5/4 पर, तो माइनस का साइन बाहर निकल, -π/4 पर। और जो 10 इनवर्स की रेंज है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करती है? क्या 5/4 इसके बीच में आ रहा है? ये सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी? देखनी पड़ेंगी। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे बढ़े, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बता रही थी कि आपको किस तरीके से करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आगे हम एक्सरसाइज पे आते हैं। चलो चलो देखते हैं। और वो मैंने देखा कि आप लोगों का वो जो मैं अभी दिखा रही थी, वो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल की बुक में से था, एनसीईआरटी की बुक में से नहीं था, बस इस टू के आपके समझने से मतलब क्वेश्चन समझ आया। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन है। चलो देखो, अब आपको बोला है कि प्रिंसिपल वैल्यू बताओ साइन इनवर्स -1/2। पहले तो ये बताओ कि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? फटाफट अपनी एकदम से पोज करके याद करो, नहीं है तो देखो क्या होती है। -π/2 से लेके π/2 तक के बीच में हो गया है। अब मुझे बताओ कि जो -1/2 है, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? साइन इनवर्स -1/2 को क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं क्या? साइन -π/6 लिख सकते हैं, हाँ या ना? क्योंकि sin π/6 पे ही होते हैं ना 1/2 वैल्यू, और साइन में भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, और फंक्शन होता है तो वो अंदर आ गया, तो sin π/6 क्या होता है? 1/2। साइन इनवर्स से साइन को हम क्या कर दें? कट कर दें। तो आंसर क्या मिला हमें? -π/6। क्या -π/2 से लेके π/2 के बीच में आता है -π/6? हाँ आता है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई? प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/6। चलो कॉस इनवर्स √3/2, अगर मुझे बताना है कॉस इनवर्स √3/2, तो ये कॉस इनवर्स क्या होता है? आगे बढ़े, कॉस इनवर्स √3/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में होती है याद करो फटाफट? 0 से लेके 5 के बीच में होती है। √3/2 कब होता है? कब होता है? cos π/6 पे, 5/6 पे होता है √3/2। cos इनवर्स से cos काट दो, क्या 0 से π के बीच में 5/6 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू इज 5/6। समझ में आया? इसी तरीके से करने हैं बाकी के क्वेश्चंस भी, ठीक है। चलो cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में होती है याद करो? -π/2 से लेके 5/2 के बीच में होती है।
परफेक्ट इन्वेस्ट हो, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जो बेसिकली रेंज होती है कहाँ से कहाँ के बीच में अगर आई लाइन करती है, प्रिंसिपल वैल्यू लाइज इन -π/2 से π/2 माइनस, इसमें क्या नहीं आता, जीरो। यही होते हैं ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर भी। π/2 से ठीक है, एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। अब मुझे बताओ टू कब आता है कॉसेक पे? अगर कॉसेक की टेबल ध्यान नहीं है तो करो, तो कॉसेक इनवर्स 2 है, कॉसेक 30 डिग्री पे आता है, 30 पे आता है कॉसेक इनवर्स। इसको मैं लिख सकती हूँ कॉसेक 5/6, कॉसेक से कॉसेक पे कट गया, ये 5/6। क्या -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, 5/6। किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो, और सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, मैं सारे करवा देती हूँ अगर आप चाहते हो तो। लेकिन आपको कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाइन करेगी, ठीक है। कल से यही बोलने जा रही हूँ मैं, 10 इनवर्स -√3। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो 10 इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में होती है, तो आप करोगे तो क्या कहोगे, -π/2 से लेके π/2 तक के बीच में होती है, लेकिन यहाँ पे ओपन ब्रैकेट -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होता है। हाँ तो -√3, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, 10 ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन तो नहीं है, तो √3 कब होता है? ये आता है आपका 10/60 पे, दैट इज 5/3 पे, और माइनस का π/3 पे। और फंक्शन है 10 इनवर्स से 10 काट दूं, क्या -π/3 के बीच में आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, -π/3। यही कल ही बताया था ना कि ये जो बेसिकली इनवर्स सिग्मा, ये क्या होता है, थीटा इक्वल टू, ये जो पूरा चीज होती है क्या होती है, एंगल ही तो होता है। यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट क्लिक कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉस इनवर्स -1/2। आई होप आप अब कर लोगे, कॉस इनवर्स ये 1/2 कब होता है, कॉस 60 पे, दैट इज 5/3 पे 1/2, तो 5/3। और अब यहाँ पे -1/2 है, बट आपको पता है कि कॉस जो होता है वो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, कॉस जो है वो इवन फंक्शन है। अगर मैं कॉस -π/3 भी लिख दूँ तो भी वो कॉस 5/3 ही बन जाएगा, फिर कैसे करेंगे, फिर हम इसको ऐसे करेंगे, कॉस, याद करो ये वाली टेबल याद है थोड़ी थोड़ी सबको, एड शुगर टू कॉफी, इस वाले क्वाड्रेंट में सारे ही ऑल पॉजिटिव होते हैं, इस वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इस वाले क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते थे, इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अभी हमें चाहिए क्या, याद करो 11th की ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा इसको, अभी मुझे चाहिए कॉस -1/2, तो π/3 या कॉस -π/3 से तो -1/2 आएगा नहीं, तो मैं cos π/3 को क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती हूँ क्या, हम पाई में से पाई में से अगर 2π/3 घटा दें, नहीं ऐसे नहीं होगा, पाई में से π/3 घटा देते, पढ़ा है ना ये चीज कि cos पाई -π/3, पाई पे तो चेंज नहीं होता, पाई पे चीज, ये चीज क्या होती है, चेंज नहीं होती है, क्योंकि हमें माइनस का π/3 चाहिए था, तो cos π/3 को ये जो हम, ये हमारा किस पे आएगा, एक दस के लिए, चलिए ठीक है, cos पाई माइनस, ठीक है ना, हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें ये चीज चाहिए, -cos π/3 चाहिए था,
लेकिन इससे ये चीज नहीं बन रही। तो मैंने 5/3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 5 - 5/3, पता है 5 पे तो चेंज नहीं होता, तो जब ये बाहर निकलेगा और 5 - 5/3 इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये कॉसेक है, तो इस 5 में से तो बेसिकली यहाँ पे ये बाहर माइनस का होके निकलेगा, ये जो चीज है बाहर माइनस के होके निकलेगी, तो 5 में से 5/3 गए, यहाँ पे क्या बचा, cos 2π/3। ये -1/2 की वैल्यू कहाँ पे होगी, cos 2π/3। समझ आया नहीं आया, वीडियो को रिवाइंड करना और फिर देखना, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos ये हमें क्या चाहिए, -1/2, मतलब मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए, -cos π/3 चाहिए। अभी -cos π/3 आएगा कैसे, cos -π/3 तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑड फंक्शन है, सॉरी इवन फंक्शन है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, cos π - π/3 ऐसे लिख सकती हूँ ना, क्यों, क्योंकि पाई में से 5/3 गए, यहाँ पाई होता है, पाई में से 5/3 गए, तो इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और इस वाले क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव का नहीं होता, नेगेटिव का होता है, तो ये अपने आप इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, cos पाई में से 5/3 गए, तो cos 2π/3। समझ में आया, तो हमारा क्वेश्चन था cos इनवर्स -1/2, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos 2π/3, ठीक है, तो cos इनवर्स से cos काट दो तो आंसर आया क्या, 2π/3। तो cos किस किस के बीच में लाई करना चाहिए, इसकी क्या होती है, 0 से π, ये 0 से π के बीच में है, चेक कर लो ना, π की जगह 180 रख दो, 3 3 6 18, 0 2 6 12 120, क्या 0 से 180 के बीच में 120 नहीं आता, आता है, ये लो 2π/3 इसका आंसर है। बहुत इजी एड, समझना चाहिए आपने भी, समझ में आएगा ही, जब तक कर नहीं पाओगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगी आप, तो आगे बढ़े, इस तरीके का एक क्वेश्चन और करवा दूंगी ताकि आपकी और इजी हो। टेन इनवर्स -1, ये -1 का वो आता है, 10 - π/4, 10 ये कट गया, क्या बचा, -π/4, क्या होती है उसकी रेंज, -π/2 से लेके 5/2, क्या बीच में लाई कर रहा है, -π/4, बिल्कुल कर रहा है, -π/4 कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, -π/4 दैट मीन्स ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, समझ में आया, -π/4 नहीं कर तो रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सही आंसर है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो आगे चलते हैं, ये आपके क्या थे, प्रिंसिपल वैल्यूज के क्वेश्चन थे, ऐसे समझ में आ गए, तो वो जो टेबल आपको वो अच्छे से याद करनी आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है, सेक इनवर्स की क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज क्या होती है, 0 से लेके π तक होगा, 0 से लेके π तक होगा, लेकिन बीच में क्या नहीं आना चाहिए, -π/2 नहीं आना चाहिए, ये किसकी प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब रेंज किसकी। चलो आपको पता है sec 2√3 कब होता है, ये होता है आपका sec 5/6 पे होता है, हाँ ठीक है, 5/6 पे होता है, क्या 5/6 0 से π के बीच में है, हाँ है, बिल्कुल है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 5/6, समझ में आया, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है cot इनवर्स √3, अगेन cot इनवर्स cot इनवर्स, चलो देखो क्या है क्वेश्चन, cot इनवर्स √3, cot
कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाया करता है, सॉरी 0 से 5 के बीच में। अब कॉट रूट 3 होता कब है, जो आपका रूट 3 होता है वो किस पे आता है, ये आता है आपका 5/6 पे, दैट इज कॉट 5/6। तो क्या 0 से 5 के बीच में आ रहा है, 5/6, हाँ बिल्कुल आ रहा है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, 5/6 हो गई। ईजी है, समझ आया है। अब प्रिंसिपल वैल्यूज के ही क्वेश्चन करेंगे, कल हम बढ़ेंगे किसके ऊपर, थोड़े से ये जो इनवर्स के फॉर्मूला ये कर लेंगे, तो एक आध क्वेश्चन देख लेंगे, फिर आपका ये दो एक ही वीडियो में चैप्टर वाइंड अप, नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2। कॉस की कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई तक होती है, पढ़ लिया। 1/√2 कब आता है, अगेन वही सेम क्वेश्चन आ गया, कॉस इनवर्स 1/√2 कब आता है, हमें चाहिए बेसिकली जो -1/√2 है वो किस पे आता है, -cos π/4 पे आता है। अब मुझे ये -cos π/4 चाहिए, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, पाई में से π/4 को अगर मैं माइनस कर दूं, cos π चेंज नहीं होगा पाई पे, जब बाहर निकलेगा, मैं इसे कह रही हूँ कि जब इसे मैं पूरा सॉल्व बाहर निकालूंगी, cos पाई पे चेंज नहीं होता ना, तो जब मैं इसे बाहर निकालूंगी, एड शुगर टू कॉफी, पाई पाई में से पाई बाय फोर क्या, तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा, हाँ तो ये क्या आ गया, -cos π/4। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, 4π, पाई -π, 3π, 3π/4। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, तो आंसर क्या आया बच्चे, 3π/4। तो यहाँ पे क्या दिखा हमें, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या आ रही है, 3π/4। क्या 0 से पाई के बीच में लाई कर रहे हैं, चेक कर लो ना क्या दिक्कत है, पाई की जगह 180 रख दो और यहाँ रख दो 4, क्या आ रहा है, 4 16, 4 5 20, 3 5 15, 3 4 12 और 1 13, 135 बिल्कुल आ रहा है। समझ में आ गया किस तरीके से करने, स्पेशली कॉस वाले जहाँ पे फंक्शन इवन होगा, ठीक है, उन क्वेश्चन को जरा थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है कॉसेक इनवर्स -√2। कॉसेक इनवर्स -√2, तो कॉसेक इनवर्स √2 कब होता है, जो आपका ये आता है √2 किस पे आता है, कॉसेक -π/4 पे आता है, ये कट गया। कॉसेक की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में होती है, ये भी याद रखना, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, -π/2 से π/2 तक के बीच में होती है, लेकिन इसमें 0 नहीं आता, 0 इंक्लूड नहीं होगा, -π/2 से π/2 होगी लेकिन 0 बीच में नहीं आएगा, याद करो। तो कॉसेक इनवर्स कॉस, इसे यहाँ पे क्या बचेगा, -π/4। तो क्या -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, तो बिल्कुल तो आ रहा है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, -π/4। आई थिंक आपको वहां तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ये सारे प्रिंसिपल वैल्यूज के क्वेश्चन है, ये आगे भी है ये 2-3, बट ये नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी आप लोगों को थोड़े से इनवर्स के फॉर्मूला के साथ ही। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, अगर कुछ भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल सॉल्व दैट। ओके, चलो गुड डे एंड हैव अ नाइस डे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना अपने, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो ठीक।